लेशन में हम लोग देख रहे हैं, आज के वीडियो लेशन में देख रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको देखने के पहले जो है ये ज़रूरी है कि हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये टॉपिक है हम लोग का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि किसने दिया था, तो सटन एंड बेवोरी, हम लोग सटन एंड बेवोरी का नाम देंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखने के पहले हम लोग क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू में क्या होता है वो हम लोग देख लें। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोमल थ्योरी में जैसा कि एक नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये बताते हैं कि किसने किया, तो साइंटिस्ट का नाम हम लोग सटन एंड बेवोरी हम लोग देंगे, तो एक नंबर के हम लोग हकदार हो गए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको देखने के पहले हम लोग मियोसिस में जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। मियोसिस वन और मियोसिस टू में हम लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मियोसिस वन में एनाफेज में क्या हो रहा है और मियोसिस टू के एनाफेज में क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बाईवेलेंट है। दो क्रोमोसोम जो है एक जैसे, दो क्रोमोसोम जो है ये बाईवेलेंट, वो एक साथ होते हैं। एनाफेज में ये अलग अलग होने लगते हैं, एक आपका दूसरे पोल साइड में जाता है और दूसरा जो है दूसरे साइड में जाता है। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, मियोसिस के एनाफेज में हम लोग को ध्यान देना है कि दो समान तरह के क्रोमोसोम होते हैं, उसको बाईवेलेंट हम लोग बोलते हैं। एक ये है और एक क्रोमोसोम, और एक जो है ये क्रोमोसोम है, हम लोग देख रहे हैं चार क्रोमोसोम इसमें टोटल हम लोग देख रहे हैं। एक है, दो है, तीन है और ये चार है, ये चार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर दे रहे हैं एक दो तीन और ये चार, चार देख रहे हैं। एक बार दोबारा हम लोग इसको देख रहे हैं, ये चार क्रोमोसोम कौन कौन सा है, एक है, दो है, तीन है और ये चार क्रोमोसोम है। तो ये दोनों जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं और ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पर ये अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि ये मियोसिस एनाफेज है, ये एनाफेज, ये दो तरह जो है ये दोनों अलग जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये इस साइड जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मियोसिस एनाफेज, मियोसिस टू के एनाफेज में देखिए, मियोसिस टू के एनाफेज में ये जो है एक क्रोमोसोम जो है इसके दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमेटिड जो है अलग हो गए। सबसे पहले क्या हुआ कि ये पूरा क्रोमोसोम ही जो है ये एक साइड में ये गया क्रोमोसोम और दूसरे साइड में जो है ये क्रोमोसोम गया, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड जो है ये क्रोमेटिड अलग जा रहा है, ये क्रोमेटिड अलग जा रहा है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर से ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो दो क्रोमेटिड हैं, जैसे कि हम लोग दो लाइन लगा दे रहे हैं अलग, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया। तो ये मेटाफेज वन में क्या है कि दो क्रोमोसोम हैं, दो क्रोमोसोम हैं, तो ये एक वाला, ये वाला क्रोमोसोम ये दूसरे साइड में जाता है, ये वाला जो है ये नीचे जा रहा है। दोनों क्रोमोसोम जो है यहाँ पे ये जैसे डायग्राम में है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला टोटल, ये क्रोमोसोम में देखिए दो क्रोमेटिड दिख रहा है, इस क्रोमोसोम में भी जो है दो क्रोमेटिड ये दिख रहा है। तो ये पूरा जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला पूरा भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ मियोसिस टू में देख रहे हैं हम लोग, मियोसिस टू में क्या देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम जो है ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए हैं, ये क्रोमेटिड अलग हो गया है, ये क्रोमेटिड अलग हो गया, ये क्रोमेटिड अलग होके जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मियोसिस वन में क्रोमोसोम सेपरेट ये हो रहा है, क्रोमोसोम जो है ये एक इस साइड जा रहा है और एक जो है ये इस साइड जा रहा है। लेकिन मियोसिस टू के एनाफेज में क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इधर चला गया, एक क्रोमेटिड जो है ये इधर जा रहा है, ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं।
तो यहाँ पे ये सेल में जैसे जी1 जी2 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 क्रोमोसोम है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है ये वाला, ये और ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एनाफेज में जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्रोमेटिड ये अलग अलग हो गए हैं, क्रोमेटिड ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो जर्म सेल बन रहा है वहाँ पे, जो जर्म सेल बना वहाँ पे जो है ये पूरी क्रोमोसोम नहीं गई है, एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड हो गए हैं, 4 क्रोमोसोम लेके हम लोग चले थे यहाँ पे, 1 2, यहाँ 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम लेके चले थे हम लोग, ये बाइवेलेंट की थी। और जर्म सेल में जो है ये 4 क्रोमोसोम ये अलग अलग क्रोमेटिड हो गए हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 क्रोमेटिड हैं, ये जो हैं, ये जो दिख रहे हैं ये चारों क्रोमेटिड हमें ये दिख रहे हैं। तो इसके आधार पे ये ध्यान देना होगा हमें, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कि मियोसिस जो हो रहा है, ये मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोसोम, ये 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 क्रोमोसोम। लेकिन जो लास्ट स्टेज में हमें जर्म सेल मिला हुआ है वहाँ पे ये क्रोमेटिड, तो टोटल 1 2 3 4 हमें जर्म सेल मिले हैं, इसमें क्रोमेटिड जो है ये अलग अलग हो गया है। एक बार यहाँ पे दोबारा हम लोग देखते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या अंतर है। मियोसिस 1 में जो है क्रोमोसोम जो है ये अलग हो रहे हैं, बाइवेलेंट दो समान तरह के क्रोमोसोम हैं, ये अलग हो रहे हैं, और मियोसिस 2 में जो है ये क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम यहाँ अलग हो रहे हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं। तो ये हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ लाइन देखते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कह रहा है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन बोथ ऑकर इन पेयर। क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम, देखें कि शुरू में हम लोग मियोसिस 1 में ये पेयर में है, क्या है ये पेयर में है, ये पेयर में है। कह रहा है कि क्रोमोसोम एंड जीन दोनों जो है, क्रोमोसोम और जीन दोनों जो है ये पेयर में होते हैं। कह रहा है कि 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर, 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर्टन एंड बोहरी अर्थ दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन, ये जो पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग एंड सेपरेशन, लास्ट में जो सेपरेट हो रहा है, ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लेड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर कहा था जो अब हम लोग जीन कहते हैं, दे कैरीड। उसके बाद ये पॉइंट बता रहा है कि सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। ये क्रोमोसोमल का जो सेग्रीगेशन हो रहा है, सटन ने क्या किया, उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ उसको जोड़ दिया और कहा एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिया था फैक्टर, मेंडेलियन प्रिंसिपल जो दिया था, उसके साथ जो है ये क्रोमोसोमल को सेग्रीगेशन को जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया, ये सटन ने जोड़ दिया और उसी के अनुसार जो है, उनके अनुसार क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ ये इनहेरिटेंस ये हो गया। तो ये डायग्राम हम लोग को ध्यान में रखना है कि मियोसिस 1 एनाफेज में क्या हो रहा है और मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या हो रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 11 के सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग देख लेंगे कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा है और मियोसिस 2 में क्या हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बराबर आता है, हु हैज़ गिवन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आंसर होगा सटन एंड वोरी गिवन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हुआ थोड़ी बहुत बातचीत जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें कह रहा है कि व्हेन टू पेयर ऑफ जीन्स इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस, किसमें टू जीन्स इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस, ये जो दो जीन की बात हम लोग कर रहे हैं, किसमें बातचीत कर रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं। कह रहा है कि वेयर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, ये जो है सेम क्रोमोजोम में सिचुएटेड होता है। और आगे बता रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वॉज मच हायर दैन द नन पैरेंटल टाइप। ये नन पैरेंटल टाइप से ये हायर होता है। उसके बाद जो है मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, ये क्यों हो रहा है, ये फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है, या उन्होंने कहा और द लिंकेज ऑफ टू जीन, ये लिंकेज ऑफ टू जीन के कारण हो रहा है, और उसी को इन्होंने लिंकेज को क्वाइंड किया, टर्म दिया एक लिंकेज। लिंकेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, लिंकेज टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन सेम क्रोमोजोम। ये जो दो तरह के जीन जो हैं, फिजिकल एसोसिएशन जो हो रहा है, इसी को लिंकेज कर रहे हैं। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जो जीन हो जा रहा है, इसी को जो है फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज कहा जा रहा है। आगे देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डायहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन किसको कर रहा है, कह रहा है कि द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डायहाइब्रिड क्रॉस, ये डायहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो हो रहा है, ड्यूरिंग कब डायहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कह रहा है आगे कि व्हेन जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम, जीन कहाँ पे लोकेटेड है, सेम क्रोमोजोम पे अगर लोकेटेड है, सेम क्रोमोजोम, दे आर टाइटली लिंक्ड, तो वो क्या होंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे, मजबूती से वे जुड़े रहेंगे, टाइटली लिंक्ड एंड सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। अगर सेम क्रोमोजोम पे टाइटली हैं तो उसमें क्या होगा, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या डिफरेंस है, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में। क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है, ये इट लेड टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, ये सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन हो जा रहा है, और लिंकेज में क्या हो रहा है, कीप द जीन टुगेदर, एक में जीन जो है अलग अलग हो जा रहा है क्रॉसिंग ओवर में, और लिंकेज में जो है जीन टुगेदर एक साथ ये रह रहा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या देख रहे हैं, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये एक्सचेंज हो रहा है, किसमें एक्सचेंज हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोजोम, इसमें इंडिविजुअल क्रोमोजोम जो है होता है। आगे बता रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%, 50% से जो ज़्यादा है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है। और लिंकेज में बता रहा है कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर, ये लिंकेज का जो है क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर, अगर हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर जो भी है उससे ज़्यादा ये लिंकेज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के बता रहा है कि इट इंक्रीजेज
वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, न्यू जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, न्यू जीन रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज में ये बता रहा है इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी को जो है ये घटाता है। तो एग्ज़ाम में बराबर जो है हम लोग को क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बारे में डिफरेंस ये लिखने के लिए देता है। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बारे में जो है डिफरेंस आएगा तो ये हम 3 या 4 पॉइंट का लिखेंगे, तो 2 नंबर या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये पहला पॉइंट जो है ये आ रहा है कि हंकिंग इन 1891, ये साइंटिस्ट है हंकिंग, कब की बात है ये 1891 की बात है, ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व्ड ए ट्रेस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा। कहाँ देखा, इन फ्यू इंसेक्ट, इंसेक्ट में उन्होंने देखा। और आगे बता रहा है कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है लोकेटेड ऑन 50% ऑफ स्पर्म वॉली। उन्होंने जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा तो केवल देखा कि 50% स्पर्म में ही वो स्ट्रक्चर है। ही कॉल्ड दिस एक्स बॉडी, उसको इन्होंने क्या कहा, एक्स बॉडी उन्होंने कहा। ये हंकिंग की बात कर रहे हैं 1891 में। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इट्स सिग्निफिकेंस, उस समय जो है ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिज इट्स सिग्निफिकेंस, इसके महत्व के बारे में वो उस समय नहीं बता पाए। लेटर इट वॉज एब्जॉर्ब्ड, बाद में ये देखा गया, ऑब्जर्व दैट ओवम जो है दैट रिसीव द स्पर्म, ओवम जो है वो रिसीव करता है स्पर्म विथ एक्स बॉडी। अगर ओवम जो है, ये जो ओवम है, अगर ये एक्स बॉडी वाला स्पर्म अगर आ रहा है तो बिकम फीमेल, अगर एक्स वाला ओवम में आ रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, ये फीमेल बन जा रहा है। उस समय उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये फीमेल बन जा रहा है। और एंड दोज नॉट बिकम मेल्स, और वो जिसमें एक्स वाला आ रहा है वो नॉट बिकम मेल्स, वो मेल नहीं बन पा रहा है। सो दिस एक्स बॉडी वॉज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम, तो उसके बाद जो है ये एक्स बॉडी को सेक्स क्रोमोजोम कहा गया। तो इस तरह से सेक्स क्रोमोजोम है, और अदर क्रोमोजोम जो थे, एंड अदर क्रोमोजोम आर कॉल्ड आउटोजोम्स, अदर को क्या कहते हैं, आउटोजोम्स हम लोग बता रहे हैं। ये तो इंसेक्ट की बात हो गई, अब हम लोग बातचीत करते हैं इन ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, एन अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन में और जो है अदर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहा है कि एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है देखा गया है। एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखा गया है, ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बट इन सम ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला में जो है एक्स ओ टाइप देखा गया है, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें देखा गया है। तो ये हम लोग यहाँ तक देखें यहाँ पे कि ह्यूमन में जो है एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम है, ड्रोसोफिला में जो है एक्स ओ टाइप ऑफ क्रोमोजोम है। कह रहा है कि इन बोथ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दोनों जो है ह्यूमन में हो, बोथ टाइप ह्यूमन में हो या फिर ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये कह रहा है कि मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, इसमें मेल जो है 2 तरह के गैमेट्स देता है, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल में कितने आ रहे हैं गैमेट्स, 2 तरह के गैमेट्स आ रहे हैं। कह रहा है कि आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोजोम, या तो एक्स क्रोमोजोम आ रहा है या तो बिना एक्स क्रोमोजोम के ये आ रहा है। सम विथ एक्स क्रोमोजोम एंड सम विथ वाई क्रोमोजोम, ये जो स्पर्म है
कुछ में एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और कुछ में क्या आ रहा है, वाई क्रोमोसोम ये आ रहा है। कह रहा है कि जिसमें एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड मेल हेटरोगैमिटी। इसको क्या कहते हैं, मेल हेटरोगैमिटी। अगर एक्स एंड वाई दोनों आ गए, एक्स और वाई अगर दोनों आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेल हेटरोगैमिटी। तो एक्स एंड वाई वाले को मेल हेटरोगैमिटी कहते हैं। करें कि बर्ड्स के टाइप में, बर्ड्स के केस में जेड एंड डब्ल्यू टाइप होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। बर्ड के केस में क्या हो रहा है, जेड एंड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। ये फीमेल में जो है बर्ड्स के टाइप में हो रहा है इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में जो है दो अलग अलग तरह के जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है ये पाए जाते हैं बर्ड्स के केस में। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड फीमेल हेटरोगैमिटी। ये बर्ड में जो है इसको फीमेल हेटरोगैमिटी कहते हैं, क्योंकि दो तरह के ये पाए जाते हैं इसमें क्रोमोसोम फीमेल वाले में। तो बर्ड के फीमेल के दो तरह के गैमेट पाए जाते हैं, इसलिए इसको फीमेल हेटरोगैमिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। करेगी सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, इसमें एक्स वाई टाइप है ये ह्यूमन बीइंग का। करें कि आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर जो हैं हम लोगों में ह्यूमन में, वो क्या हैं, पेयर आर एग्जैक्टली सेम। 22 पेयर आर एग्जैक्टली सेम इन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल दोनों में जो है 22 पेयर एक जैसे हैं। मेल और फीमेल में दोनों में 22 क्रोमोसोम जो है एक जैसे हैं, उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। करें कि ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल में जो है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है और मेल में जो है एक्स वाई इन मेल। करें कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में क्या होता है, मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मेल जो है दो तरह के गैमेट्स देता है, यानी कि स्पर्म देता है। 50% कैरीज वाई क्रोमोसोम, 50% में वाई क्रोमोसोम है और रिमेनिंग जो बचे 50% उसमें एक्स क्रोमोसोम है। ये बता रहा है कि फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट्स। फीमेल में जो है वन काइंड ऑफ गैमेट्स है, यानी कि ओवम है, उसमें क्या है, केवल एक्स क्रोमोसोम है, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम ही है। तो ये हुआ, यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम द सेक्स ऑफ बेबी इज मेल। अगर होगा वाई वाला स्पर्म तो सेक्स जो बेबी का होगा, अगर वाई क्रोमोसोम मेल का होगा तो सेक्स ऑफ बेबी जो है उस समय मेल होगा। व्हेन स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, एंड अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और फर्टिलाइज करता है एक के साथ, तो जो बेबी होगा सेक्स ऑफ बेबी इज फीमेल। तो ये मेल फीमेल हम लोग इस चार्ट की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पेरेंट जो है इसमें, मान ये पेरेंट का दिखाया गया, ये फादर का हम लोगों ने देखा, फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम है और मदर में जो है सेम एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो गैमिट बनाएगा, मेल का गैमिट बनाएगा दो तरह का, एक एक्स और दूसरा वाई, और जो फीमेल का गैमिट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा, एक्स और एक्स वाला ये बनेगा। यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स जो है ये फीमेल के एक्स के साथ मिलता है तो ये एक्सेस कॉम्बिनेशन बनेगा और ये बच्चा जो होगा फीमेल होगा।
एक्स जो है ये फिर फीमेल के ये दूसरे वाले एक्स से भी मिल रहा है, तो ये एक्स एक्स होगा, ये फीमेल होगा। ये जो एक्स है ये फिर जो है अगर ये वाई नहीं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग शुरू से देख रहे हैं, ये अगर वाई वाला जो है फीमेल के एक्स से मिलेगा तो यहाँ एक्स वाई ये बच्चा मेल होगा। ये वाई है अगर फीमेल के दूसरे एक्स से भी मिलेगा तो ये बच्चा जो है एक्स वाई मेल होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 50% जो है ये यहाँ पे बच्चा जो है फीमेल हुआ है, 50% जो है ये बच्चा क्या हुआ है फीमेल हुआ है 50%, और 50% जो चांसेस है ये मेल होने की ये चांसेस हैं। तो इस फिगर को जो है बार बार हम लोग कोशिश करेंगे, मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स कैसे फादर बना रहा है, दो अलग अलग तरह की ये मेल गैमेट्स बना रहा है, फीमेल जो है ये बराबर सेम टाइप ऑफ मेल गैमेट्स है। तो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। वाई क्रोमोसोम अगर गया तो ये देखिए मेल हो गया, अगर ये एक्स क्रोमोसोम गया तो ये यहाँ पे ये फीमेल हो जाता है। तो मदर्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्चा मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं म्यूटेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, करें कि म्यूटेशन इज़ अ फेनोमेनन, ये फेनोमेनन है विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन अगर हो जाता है तो डीएनए का सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। म्यूटेशन में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, म्यूटेशन अगर हो रहा है तो डीएनए का सीक्वेंस जो है ये गड़बड़ा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस हो जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन देयर जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन उसका चेंज हो जाता है तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर चेंज होता है तो उसको फिनोटाइप इसको बोलते हैं। तो अगर अल्टरनेशन ऑफ डीएनए अगर सीक्वेंस होता है तो जीनोटाइप उसका चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप इसका ये चेंज हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, जीनोटाइप उसका चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप चेंज हो जाएगा ऑफ ऑर्गेनिज्म। कराए कि द म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर, अगर ये सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है डीएनए, तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन विल बी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसको कहेंगे हम लोग, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज हो रहा है, तो ऐसे म्यूटेशन को कहेंगे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ये है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और इसके साथ में मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए।